हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एन सिटी ऑफ दिल्ली की सिक्स्थ वर्कशीट करेंगे, सोशल स्टडीज़ की सिक्स्थ क्लास की और 28 जुलाई। इसमें हम ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। एज यू लर्न, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर बाउंड्रीज कैन बी सीन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। पिछली क्लासेज में हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। टूडे वी लर्न अबाउट द ओशियंस दैट सराउंड द कॉन्टिनेंट्स। आज हम ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे जो उन कॉन्टिनेंट्स को सराउंड करती है, उनके आसपास होती है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशियन। अर्थ का 97% वाटर ओशियंस में होता है। ओशियंस में कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। जो 5 ओशियंस होते हैं हमारे मेजर, जो कि है पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन, ये अपने साइज के हिसाब से है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ओशियंस को, जो पिक्चर हमें दे रखी है उस अब जैसे कि हम देख सकते हैं, ये पूरा हमारा पैसिफिक ओशियन है, ये सारा हमारा पैसिफिक ओशियन है, ये हमारा इंडियन ओशियन है, ये हमारा इंडियन ओशियन है पूरा, ये अटलांटिक ओशियन है हमारा, यहाँ साउथर्न ओशियन है हमारा, और यहाँ हमारा आर्कटिक ओशियन है। तो ये सारे हमारे ओशियंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, साउथर्न एंड इंडियन। सो अब आगे देखते हैं। अब देयर आर डैश ओशियंस इन द अर्थ। कितने ओशियंस होते हैं अर्थ में? 5। देयर आर 5 ओशियंस इन द अर्थ। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन है जो सबसे बड़ा ओशियन है। अब विच ओशियन, कौन सा ओशियन एक कंट्री के नेम के बाद पड़ा है? द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन। जो इंडियन ओशियन है वो ही एक ऐसा ओशियन है जो कंट्री इंडिया के बाद उसका नाम पड़ा है, इंडिया कंट्री के बाद उसका नाम पड़ा है, और बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स किसी भी कंट्री से नाम नहीं पड़ा। तो ये थी हमारी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।